हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू ऑल चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा करंट अकाउंट के बारे में कि कौन सा बैंक करंट अकाउंट के लिए बेस्ट है। करंट अकाउंट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स है उसको आराम से किया जा सके, क्योंकि सेविंग अकाउंट में कई सारी लिमिटेशन होती हैं। और जो सेविंग अकाउंट जो होता है वो आपके बेसिक सेविंग के लिए होता है, मतलब आपका जो कमाई होता है उसको रखने के लिए सेविंग अकाउंट का यूज़ किया जाता है, लेकिन बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट का यूज़ किया जाता है। देखो, करेंट अकाउंट में जो बेसिक फीचर होती हैं वो होती है कि अनलिमिटेड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और साथ में इसमें हाई कैश विड्रॉल लिमिट रहता है, मतलब आप ब्रांच से भी ज़्यादा कैश निकाल सकते हो। इसके अलावा फिर एटीएम का यूज़ करके भी ज़्यादा कैश निकाल सकते हो, और इसके अलावा इसमें आपको करेंट अकाउंट में कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग मिलती है। और जो करेंट अकाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है बल्क पेमेंट का। जैसे आपके कई सारे एम्प्लॉई हैं तो उनको एक साथ में पेमेंट कर सकते हो, या फिर कई सारे आपके सप्लायर्स हैं उनको आप एक साथ में पेमेंट कर सकते हो। अपना एक्सेल शीट बना के, एक्सेल में अपना डाटा फीड करके और एक एक क्लिक पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको करेंट अकाउंट में मिलती है। देखो, जब भी आप करेंट अकाउंट खुलाओगे तो चाहे आप किसी भी बैंक में खुलाओ, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो वो बैंक रिप्यूटेड होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा बैंक होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट हैं उनमें सपोर्ट कर सके। मतलब जैसे आपको टैक्स पेमेंट करना हो या फिर अदर कोई भी पेमेंट करना हो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, तो ईजिली किया जा सके। उनका इंटरनेट बैंकिंग सपोर्ट करता हो, उनका डेबिट कार्ड सपोर्ट करता है। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फॉरेक्स सर्विस। फॉरेक्स सर्विस मतलब यदि मान लो आप इंडिया के बाहर से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, यूएस डॉलर में पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो आराम से आपके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सके, मतलब आराम से क्लियर हो सके। या फिर कभी आपको विदेश जाना है तो आराम से आपको फॉरेक्स कार्ड वगैरह मिल सके। तो इन सब चीजों का होना जरूरी है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उस बैंक की नेट बैंकिंग फैसिलिटी और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। जैसा कि मैं बताया कि आपको अपने एम्प्लॉय को बल्क पेमेंट करना होता है या फिर अदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए आपको डिजिटली अच्छे बैंक को चुनना चाहिए। तो गाइज, अब बात करते हैं कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है गाइज ICICI बैंक, इसके बाद में फिर एक्सिस बैंक, इसके बाद में फिर HDFC बैंक, इसके बाद में फिर SBI, इसके बाद में फिर कोटक महिंद्रा बैंक, और इसके बाद में फिर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो भी बैंक है ना, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इनका डिजिटल सर्विस भी अच्छा है और बड़े कॉरपोरेट्स इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं इनको यूज़ करना। देखो, जो बड़े कॉरपोरेट होते हैं वो ICICI बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ICICI बैंक का टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है। और जो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस चालू किया था तो वो ICICI बैंक ने ही चालू किया था। और इसके अलावा एक्सिस बैंक का भी काफ़ी ज़्यादा है, जो बड़े कॉरपोरेट होते हैं वो ICICI और एक्सिस बैंक को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे कॉरपोरेट तो सभी बैंक को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉय पेमेंट हो गया या फिर अदर जैसे बेसिक ट्रांजेक्शन्स के लिए ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा जो थोड़े मीडियम साइज़ के कॉरपोरेट हैं वो HDFC बैंक को प्रेफर करते हैं। बड़े कॉरपोरेट HDFC बैंक को इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत आउटसोर्स करता है, और जबकि ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया या फिर SBI हो गया, इनका ऑन है, लेकिन HDFC बैंक थोड़ा बहुत आउटसोर्स करता है। और साथ में ये HDFC बैंक का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। HDFC बैंक बड़े कॉरपोरेट्स को लोन नहीं देता है, ये छोटे कॉरपोरेट्स, छोटे मतलब MSME को ज़्यादातर ये लोन प्रोवाइड करता है। कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं HDFC बैंक को MSME को लोन वगैरह देने के लिए, मतलब MSME के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए HDFC बैंक को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि आप बड़े कॉरपोरेट्स हो तो आप ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में जा सकते हो, और छोटे व्यापारी हो, छोटे मतलब छोटा आपका उद्योग है, तो आप HDFC बैंक और SBI के साथ में जा सकते हो। HDFC बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। HDFC बैंक में आपको इजीली लोन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भी आप ट्रांजैक्शन दिखाते हो तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और HDFC बैंक का ब्रांच बेस्ड जो सपोर्ट है ना, वो भी काफ़ी बेस्ट है। तो अपने हिसाब से आप बैंक चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसका भी डिजिटल सर्विस काफ़ी अच्छा है, ये भी कॉरपोरेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा कैनरा बैंक भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कैनरा बैंक का भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आप चुनाव कर सकते हो कि आपको कौन सा बैंक यूज़ करना चाहिए। और यदि आपका स्टार्टअप है और आप ये कन्फ्यूज़न में हो कि आप किस बैंक को चुने, तो सबसे पहला आपका होना चाहिए HDFC बैंक, आप HDFC बैंक को चुनिए। और सेकेंड में आपका होना चाहिए ICICI बैंक, आप ICICI बैंक को भी
चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सा भी दूसरा बैंक के साथ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप अदर बैंक के साथ में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका स्टार्टअप है तो सबसे पहला HDFC और दूसरा ICICI बैंक का चुनाव कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन सा बैंक को चुनाव करना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा कि ICICI बैंक के क्या फ़ायदे हैं और इसके फीस एंड चार्जेस क्या हैं, HDFC बैंक के क्या फ़ायदे हैं, इसके फीस एंड चार्जेस क्या हैं, वो मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।